नमस्कार, मैं हूं अलका झा। स्वागत है आपका रियल एक्सप्रेस पर। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला को क्यों मिली ऐसी सजा? अमरपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। अमरपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन अमरपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बन गई। अमरपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश के वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे एक खूबसूरत लड़की से नववधु बनने के उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं अमरपाली की ट्रेजिक और दुख भरी यह कहानी। अमरपाली को नगर वधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अमरपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। अमरपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह किताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपत्ति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली। आम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका आम्रपाली नाम रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी होनी जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगर वधु बना दिया जाए। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिससे अब हर किसी से प्यार करना पड़ा। आम्रपाली को नगर वधु बनाने से पहले वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आप आम्रपाली की कहानी से क्या सीखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए रियल एक्सप्रेस के साथ।